फ्रेंड्स, आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लगता है कि कुछ दिनों तक बारिश होगी, तो काफ़ी ठंड भी है। तो जो हमारे डॉग्स हैं जी, अभी कुछ देर पहले ही मैंने खोली हैं, तो ये देखें जी, माशाल्लाह सुबह सुबह घास में से कुछ निकाल निकाल कर खा रही हैं। ये जो हमारी बड़ी डॉग्स हैं, तो फ्रेंड्स मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है जी। मुर्गी के भी माशाल्लाह जी, कल 3 अंडे हो गए हैं, तो आज तो मुर्गी मुश्किल नहीं देगी, अंडा नागाई करेगी, तो कल इंशाल्लाह फिर अंडा देगी। ये जो सील मुर्गी होती हैं, ये एक दिन छोड़कर अंडा देती हैं, तो बज़ दफ़ा एक दिन भी दे देती हैं, दूसरे दिन भी दे देती हैं, तो बज़ दफ़ा ये एक दिन छोड़कर दूसरे दिन देती हैं। तो ये तकरीबन देगी सील मुर्गी 9, 10, 11 अंडे तक ये देती हैं। अगर मुर्गी भी ज़्यादा पुरानी हो, बड़ी हो, तो फिर 12 तक भी दे देती हैं। तो फ्रेंड्स, इनको मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये मिट्टी में अपने पर झाड़ती हैं और मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हैं। ये चकोर भी आ गई हैं जी, ये मेरे पीछे, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे पीछे आ जाती हैं। अभी देखिएगा आप, अभी मैं ऊपर जाऊँगा जहाँ पे मैंने गाय वगैरह रखी हैं, तो ये मेरे पीछे ही चली आएँगी। तो फ्रेंड्स, कल रात को बछड़ी खुल गई थी, तो गाय का सारा दूध भी पी लिया, और जो गाय का थन है वो भी इसने काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था। गाय का थन काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था, तो फिर मैंने जब सुबह चुवाई करने के लिए उठा, तो गाय ने मुझे काफ़ी लातें वगैरह मारी, तो आज चुवाई भी नहीं कर सका, क्योंकि थन काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था, तो गाय को दर्द भी था। तो ये पायोडीन तो मैंने लगा दी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, चकोर जो थी वो मेरे पीछे ही आ गई हैं, क्योंकि ये काफ़ी मैंने बच्चे पाले थे, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे पीछे ही आ जाती हैं ये। अभी देखें, ये उठकर दीवार पर भी बैठ गई हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये ज़्यादा दूर भी नहीं जाती, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, अगर कहीं कभी जाएं भी तो उठकर वापस आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उधर से उड़कर ये इधर आ गई अब, तो इसने पालक वगैरह खाना शुरू कर दिया, तो इसे बाहर निकालो। तो फ्रेंड्स, बाकी मुर्गी भी बहुत ज़्यादा मस्ती में है जी।
तो फ्रेंड्स ये पानी था जो डक्स के लिए मैंने कल डाला था, अभी ये तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो ये कि ताज़ा पानी डाल दूंगा कुछ देर तक। तो इस पानी को निकाल देते हैं जिससे। ये जी खाली कर दिया टब। रात का पानी था, काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो इस वजह से मैंने ये पानी टब में से निकाल दिया और ख़ाली कर दिया। अभी ताज़ा पानी इसमें डालूँगा क्योंकि ताज़ा पानी इतना ठंडा नहीं होता। ताज़ा पानी इस वजह से मैं कहता हूँ कि हमारे घर वो बोरिंग है, ज़मीन में से पानी निकलता है, तो जो ज़मीन के नीचे पानी होता है वो पानी गर्म होता है, तो जब मैं ताज़ा पानी नहीं डालता हूँ तो इस वजह से ताज़ा कहता हूँ कि मैं मोटर ऑन करता हूँ तो ज़मीन में से पानी निकलता है, तो वो पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो सुबह के टाइम तो निकालें तो उस पानी में से धुआँ भी निकलता है, तो वो पानी इनके लिए इन्हें पीने के लिए भी मैं डालता हूँ और इन्हें नहाने के लिए भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।